नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं आचल और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अहमदाबाद के महादेव नगर स्थित संगम तीर्थ धाम का धूमधाम से मना नौवां वार्षिक उत्सव। संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बीके जयंती की उपस्थिति से माहौल में लगे चार चांद। अहमदाबाद के नवरंगपुरा में नव निर्मित दिव्य दर्शन भवन का संस्थान के वरिष्ठ पदाधिकारियों के कर कमलों से हुआ उद्घाटन। लाखों लोगों के आध्यात्मिक सशक्तिकरण का बनेगा स्थान। पानीपत में गुरु तेग बहादुर सिंह जी के 400वें जन्मतिथि पर विशाल जन सम्मेलन, ब्रह्म कुमारीज को भी विशेष निमंत्रण। और रशिया के मॉस्को सेवा केंद्र पर 19वीं सदी के महान लेखक लियो टॉल्स्टॉय और भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी पर निर्मित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन। फिल्म निर्देशिका ये विनतेशकों ने बनाई है फिल्म। अहमदाबाद के महादेव नगर स्थित संगम तीर्थ धाम के 9वें वार्षिक उत्सव समारोह में कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बीके जयंती की उपस्थिति से चार चांद लग गए। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन, शिव वसंत है। शुभारंभ के बाद महादेव नगर प्रभारी बीके चंद्रिका ने कुछ देर मेडिटेशन कराया और संगम तीर्थ धाम द्वारा 9 सालों में हुई ईश्वरीय सेवाओं की जानकारी दी। आगे बीके जयंती दीदी ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कर सलाहकार मुकेश पटेल, CREDAI गुजरात के चेयरमैन अजय भाई पटेल ने भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। अगर आपको श्रद्धा और विश्वास है तो जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आ सकती, ऐसी कोई आपत्ति आ नहीं सकती कि जिसमें आपका विश्वास अगर अड़ग है तो बाबा आपको साथ में साथ लेके पार करें। ऐसे ही अहमदाबाद के नवरंगपुरा में नवनिर्मित दिव्य दर्शन भवन का उद्घाटन संस्थान के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष बीके करुणा, चैरिटी कमिश्नर YM शुक्ला, अंतर्राष्ट्रीय कर सलाहकार मुकेश पटेल, CA ललित, महादेव नगर सब जोन प्रभारी बीके चंद्रिका, मेहसाना की प्रभारी बीके सरला, मुंबई बोरीवली सब जोन प्रभारी बीके दिव्या प्रभा, अंबावाड़ी सेवा केंद्र प्रभारी बीके शारदा, नवरंगपुरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके इशिता की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। उद्घाटन के बाद पब्लिक प्रोग्राम गुजरात यूनिवर्सिटी के सीनेट हॉल में हुआ, जिसमें हजारों लोगों की उपस्थिति में संस्थान के पदाधिकारियों और विशिष्ट अतिथियों ने सेवा केंद्र द्वारा बेहद की सेवाओं के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। गुरु तेग बहादुर सिंह जी के 400वें जन्मदिवस के मौके पर पानीपत के सेक्टर 13-17 में विशाल आयोजन किया गया, जिसमें 1 लाख से भी अधिक लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए धार्मिक जगत की आनंद मूर्ति गुरु माँ, महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद और आध्यात्मिक जगत की विभूति में से ब्रह्म कुमारी संस्थान में पानीपत की सर्किल प्रभारी बीके सरला, ज्ञान मानसरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण को मंच पर स्थान देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान बीके सरला और बीके भारत भूषण की मुलाकात हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कैबिनेट मिनिस्टर कंवर पाल जी और आध्यात्मिक विभूति आनंद मूर्ति गुरु माँ से मुलाकात की और ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित भी किया। वाराणसी के महमूरगंज बीके पाठशाला द्वारा संचालित डिवाइन संस्कार शाला में अग्रवाल समाज के लोगों के लिए स्नेह मिलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर अग्रवाल समाज के सभापति संतोष अग्रवाल, उद्योगपति नीरज अग्रवाल, आर्किटेक्ट ऋषभ चंद्र, CA गौरव अग्रवाल, डॉक्टर अजय अग्रवाल और डॉक्टर मधु अग्रवाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सभी को राजयोग मेडिटेशन की जानकारी देने के साथ उसका अभ्यास भी कराया गया, जिसका सभी ने भरपूर लाभ लिया और अपने अनुभव भी सुनाए। कार्यक्रम के अंत में डिवाइन संस्कार शाला की संचालिका बीके लता और बीके अरुण ने अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की। मध्य प्रदेश के राजगढ़ सेवा केंद्र पर मेरा भारत स्वर्णिम भारत थीम को लेकर मेरा भारत स्वस्थ भारत अभियान के अंतर्गत COVID-19 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सिविल हॉस्पिटल के चिकित्सकों एवं कोरोना वॉरियर्स का सम्मान समारोह आयोजित किया गया।
जिसमें जिला पंचायत सीईओ प्रीति यादव, अपर कलेक्टर कमल चंद नागर, विधायक बाबू सिंह तंवर, पूर्व विधायक रघुनंदन शर्मा, कांग्रेस जिला महामंत्री राशिद जमीर, सिविल सर्जन डॉक्टर आर एस परिहार, डॉक्टर सुधीर कलावत समेत शहर के कई वरिष्ठ डॉक्टर्स उपस्थित रहे। इस सुंदर मौके पर उपस्थित अतिथियों ने संस्थान की इस पहल के प्रति अपना आभार व्यक्त किया एवं सभी ने डॉक्टर्स व स्टाफ द्वारा कोविड 19 के समय की गई अतुलनीय सेवाओं की अति सराहना की। वहीं राजगढ़ जिला प्रभारी बीके मधु ने भी डॉक्टर्स के साथ साथ पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद प्रकट किया। कार्यक्रम में डॉक्टर्स, नर्सेस, लैब टेक्नीशियन, स्वीपर सहित लगभग 60 कोरोना वॉरियर्स को प्रशस्ति पत्र, शॉल एवं ईश्वरीय सौगात देकर सम्मानित किया। राजकोट के राजनगर सेंटर पर आयोजित डॉक्टर्स प्रोग्राम में निकला इस बात का निष्कर्ष कि खुशी जीवन की सर्वश्रेष्ठ औषधि है। अपने बिजी स्केड्यूल में भी करीब 50 डॉक्टर्स ने अपनी फैमिली के साथ हैप कैफे का भरपूर लाभ लिया। नए तरीके से आयोजित इस वंडरफुल हैप कैफे में करीब एक घंटा छोटे छोटे ग्रुप्स में सभी ने कुछ चुनिंदा विषयों पर चर्चा की, जहां आंतरिक बीमारी जैसे कि क्रोध, ईर्ष्या, कंपैरिजन जैसे नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव में चेंज करने पर जोर दिया। इसके साथ ही राजयोग मेडिटेशन कैसे मददगार है इस पर भी सभी ने अपने विचार एक दूसरे के साथ शेयर किए। इस सेशन के लास्ट में सभी ने वैल्यू गेम्स एवं मेडिटेशन का पीसफुली एक्सपीरियंस किया। वहीं गुजरात जोन की प्रभारी बीके भारती ने सभी उपस्थित जनों को ब्लेसिंग्स कार्ड देकर सभी का मनोबल बढ़ाया। पूरा देश आजादी की 75वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। स्वतंत्र भारत के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के 20 प्रभागों द्वारा भी इस महोत्सव के अंतर्गत देश के कोने कोने में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ दुर्ग के बघेरा सेवा केंद्र द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर अभियान के तहत किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसान सम्मेलन का आयोजन किया। समृद्ध भारत की शान आत्मनिर्भर किसान इस विषय पर आधारित कार्यक्रम में विधायक अरुण वोरा, कृषि सहायक संचालक एस के सिंह, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष जीवन लाल वर्मा, धमतरी से बी के देवराज, सेवा केंद्र प्रभारी बी के रीटा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ऐसे ही इस महोत्सव के अंतर्गत गुरुग्राम के सेक्टर 54 सन सिटी सेंटर की ओर से आर्टिस्टों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत सिंगर बी के मुकेश, डांसर रोमा, चित्रकार हनी एवं कई कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति देकर की। सेंटर प्रभारी बी के भावना ने सभी को आत्म उन्नति के लिए राज्यों से अवगत कराया और सेंटर पर चलने वाली विभिन्न गतिविधियों और कोर्स करने के लिए सभी को प्रोत्साहित किया। वहीं दूसरी तरफ इस महोत्सव के अंतर्गत व्यापारियों के लिए भी गुजरात के राजकोट हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका विषय रहा खुशी का व्यापार। इस कार्यक्रम में शहर के जाने माने व्यापारी बंधु सपरिवार पहुंचे, जहां वरिष्ठ राज्यों शिक्षिका बी के अंजू ने सभी को जीवन में सदा खुश रहने की सुंदर कला सिखाई। संस्थान द्वारा अमृत महोत्सव के अंतर्गत हो रहे जगह जगह कार्यक्रमों को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां एमपी के छतरपुर में डॉक्टर्स के लिए वैल्यूज इन हेल्थ केयर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बी के शैलजा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में कई जाने माने डॉक्टर्स शरीक हुए। वही दूसरी तस्वीर हरपालपुर सेवा केंद्र की है, जहां वैज्ञानिकों एवं इंजीनियर्स के लिए कार्यक्रम रखा गया। इसके अलावा ग्वालियर में छात्राओं, हिमाचल प्रदेश के ऊना में किसानों और बैजनाथ में स्कूली बच्चों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। ऐसे ही महाराष्ट्र के अहमदनगर में व्यसन मुक्त तनाव मुक्त स्वास्थ्य मेला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से शारीरिक मानसिक स्वस्थ रहने की विधि को बताया गया। अब खबरें एक नजर में। वडोदरा के अलकापुरी सेवा केंद्रों एवं संस्थान के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आत्मनिर्भर किसान अभियान के समापन पर कार्यक्रम का आयोजन। समापन समारोह में बीके डॉक्टर निरंजना समेत कई पदाधिकारी लोग रहे मौजूद। इस अभियान द्वारा सैकड़ों किसान भाई बहनों ने आत्मनिर्भर बनने की जानी विधि।
गुजरात के अमरेली सेवा केंद्र से आत्मनिर्भर किसान अभियान का शुभारंभ। कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के डायरेक्टर विशाल सक्सेना, भीनमाल सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता समेत शहर के कई विशिष्ट लोग रहे उपस्थित। बीके गीता ने किया अभियान का मुख्य उद्देश्य स्पष्ट। अमरेली सेवा केंद्र समेत 6 सेवा केंद्रों के द्वारा गांव-गांव में चलाया जाएगा अभियान। 500 से भी अधिक किसान भाई बहनों ने लिया कार्यक्रम का पूरा लाभ। उत्तराखंड के गुप्तकाशी सेवा केंद्र एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्कूली विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए स्वास्थ्य शिविर। विद्यार्थियों के लिए नेत्र एवं हीमोग्लोबिन की गई जांच। बच्चों के निशुल्क आयरन की दवाई एवं चश्मे किए गए वितरित। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में अवसाद से मुक्ति विषय पर कार्यक्रम। मोटिवेशनल स्पीकर बीके प्रहलाद रहे मुख्य रूप से उपस्थित। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अता उल्ला सिद्दीकी समेत कई पुलिस पदाधिकारी रहे मौजूद। कार्यक्रम में बीके प्रहलाद ने अवसाद से मुक्ति पाने के बताए निवारण। बीके प्रहलाद ने मौजूदा अधिकारियों को कराया मेडिटेशन। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिला विकास भवन में कार्यक्रम का आयोजन। हाथरस सेवा केंद्र से बीके भावना मुख्य रूप से रही उपस्थित, जहां उन्होंने सच्ची आजादी का वास्तविक अर्थ किया स्पष्ट। मुख्य विकास अधिकारी साहित्य प्रकाश मिश्रा, जिला विकास अधिकारी अवधेश सिंह यादव समेत अन्य अधिकारी गण रहे उपस्थित। वही हाथरस में संस्थान के कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग द्वारा आत्मनिर्भर किसान अभियान का शुभारंभ। आगरा जोन में चलने वाले किसान अभियान का हाथरस के तपस्या धाम से हुआ विधिवत उद्घाटन, जिसमें विधायक अंजुला माहौर, मुख्य विकास अधिकारी साहित्य प्रकाश शर्मा समेत कई विशिष्ट गण हुए शामिल। अभियान द्वारा अलग अलग स्थानों से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का है उद्देश्य। कार्यक्रम में भरतपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता, आगरा जोनल कोऑर्डिनेटर बीके भावना समेत संस्थान के कई विशिष्ट पदाधिकारी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के सारंगपुर में किसानों को जागृत करने एवं सशक्त बनाने के लिए प्रोग्राम। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर के अंतर्गत कार्यक्रम का शुभारंभ। राजगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु, पूर्व विधायक कृष्ण मोहन समेत शहर के कई विशिष्ट लोग रहे मौजूद। संस्थान की बीके बहनों ने किसान भाइयों को सशक्त बनाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान को बताया जरूरी। अतिथियों ने की ब्रह्म कुमारी संस्थान की सेवाओं की सराहना। राजकोट के मेहुल नगर सेवा केंद्र द्वारा आत्मनिर्भर किसान अभियान की शुरुआत। कार्यक्रम में आरएमसी के टाउन प्लानिंग शाखा के चेयरमैन नरेंद्र डव रहे उपस्थित। गांव-गांव में चलाए गए इस अभियान द्वारा किसानों को किया गया जागरूक। महाराष्ट्र के ठाणे वेस्ट स्थित श्रीनगर सेंटर पर डॉक्टर्स के लिए कार्यक्रम। मेडिटेशन एज मेडिसिन विषय पर आधारित कार्यक्रम में मोटिवेशनल स्पीकर बीके ईवी स्वामीनाथन ने बताए मेडिटेशन के कारगर उपाय। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीता समेत शहर के कई प्रसिद्ध डॉक्टर्स रहे उपस्थित। मध्य प्रदेश इटारसी के सूरजगंज द्वारा अनलिमिटेड हैप्पीनेस फॉर एंजॉयिंग द जर्नी ऑफ लाइफ विषय पर सेमिनार। डॉक्टर्स, इंजीनियर, स्कूल कॉलेजेस स्टाफ समेत बिजनेसमैन हुए सेमिनार में शामिल। बीके मंजुनाथ ने बताया हर समस्या में रखे स्वयं को कैसे खुश। मुंबई के हाजी अली सेंटर द्वारा शिवड़ी अग्निशमन केंद्र पर कार्यक्रम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन। बीके हर्षल ने मौजूदा लोगों को दी इनर पीस की टिप्स। कार्यक्रम में फायर ब्रिगेड ऑफिसर प्रसाद सारंग रहे उपस्थित। सेशन के अंत में बीके हर्षल ने कराया सभी को मेडिटेशन। 19वीं सदी के सर्वाधिक सम्मानित लेखकों में से एक रूस के लियो टॉल्स्टॉय, जिनका जीवन और कार्य दुनिया भर के बहुत से लोगों के लिए प्रेरणादायी बना। वहीं भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया। विश्व में शांति की एक समान विचारधारा लेकर चलने वाले लियो टॉल्स्टॉय और महात्मा गांधी का जीवन लोगों के लिए प्रेरणादायी रहा है। भारत और रूस के बीच मित्रता की अनूठी भावना को दिखाने के लिए रशिया की प्रमुख फिल्म निर्देशक और निर्माता गैलिना येवतेशुको ने लियो टॉल्स्टॉय एंड महात्मा गांधी द डबल पोर्ट्रेट इन द इंटीरियर ऑफ द अप्रोच पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, जिसको रशिया मॉस्को के लाइट हाउस सेंटर पर दिखाया गया। फिल्म निर्माता गैलिना येवतेशुको ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ की बधाइयां देते हुए ब्रह्मा कुमारीज के इस कार्यक्रम की सराहना की। इस सुंदर मौके पर मॉस्को सेंटर की डायरेक्टर बीके सुधा ने दर्शकों को इस प्रेरणादायी फिल्म की बधाई दी
और भाईचारे की भावनाओं को स्वयं में जगाने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही ब्रह्मा कुमारीज की विश्व में हो रही सेवाओं की जानकारी दी। इस प्रोग्राम में जीना उइके और फिल्म की को ऑथर्ड अन्ना ये वेंकटेशु को भी मंच पर उपस्थित रहे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए लेती हूँ इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।